नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हीरा सिंह राठौर चैनल पर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में USBRL प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे महत्व स्टेशन रिहायशी स्टेशन के बारे में बताऊंगा। हिमालय के पहाड़ों में तैयार हो रहा है रिहायशी रेलवे स्टेशन और इसको बनाने में जो मटेरियल लग रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि सरिया और कितने भारी लोहा यहाँ मौजूद है और यहाँ बहुत ही ज़ोरदार काम चल रहा है। और आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का काम हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे डिजिटल जो कार्य है वो डिजिटल पैनल लगा दिया गया है। डिजिटल पैनल का कार्य ये होगा कि ये डिजिटल इंफॉर्मेशन पैनल आपको ये बताएगा कि कब कौन सी ट्रेन यहाँ आएगी और कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ से दोबारा दूसरी ट्रेन दूसरी साइड को जाएगी। तो ये आप देख ही रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर टिकट विंडो भी लगा दी गई है। इस स्टेशन की और भी खासियत है। अभी मैं आपको प्लेटफार्म की तरफ ले चलता हूँ। आप प्लेटफार्म को देख ही सकते हैं कि यह प्लेटफार्म ब्लास्ट लेस ट्रैक है। आप देख ही सकते हैं कि कैसे पहाड़ को काटकर स्टेबलाइज किया गया है और इसे बहुत ही मजबूत किया गया है और इसमें रॉक स्लाइडिंग की गई है। यहाँ पर बिजली की तारें भी बिछा दी गई हैं। रिहायशी रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रैक लाइन बिछा दी गई हैं। टनल, अगर टनल की बात करें कि टनल कौन सी है रिहायशी रेलवे स्टेशन के पास, तो यहाँ पर टनल नंबर 5 है। इस स्टेशन का आधा हिस्सा टनल नंबर 5 के अंदर है और दूसरी तरफ है जो हिस्सा वो पुल के ऊपर है। और पुल के पिलर की बात करें तो उनकी जो ऊंचाई है 105 किलोमीटर है और ये स्टेशन बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है। ब्लास्ट लास्ट ट्रैक का ये फायदा होगा कि इनमें मैनुअल इंटरनल ज़्यादा है, साथ ही साथ आप सिग्नल को देख सकते हैं और ये देखिए कैसे कार्य चल रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बताई नहीं गई है। बारिश के पानी को भी चैनलाइज करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे नाले बना दिए गए हैं। और टनल टी की बात करें तो टनल टी 5 के अंदर कार्य पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी ट्रेन इंस्पेक्शन होगी और उससे ट्रेन इंस्पेक्शन से इस जगह को भी हरी झंडी दी जाएगी। धन्यवाद।